कान्हा जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए बनाइए कैप, बहुत ही प्यारा सा कैप और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्द बन जाते हैं। मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर का ऊन ले रखी हूँ और क्रोशिया से मुझे मैजिक रिंग बनानी है। और मैजिक रिंग बनाने के बाद मुझे एक चेन लेनी है और मैजिक रिंग के अंदर से मुझे डबल क्रोशिया बनानी है 10 बार। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल रेखाज क्रिएटिविटी आइडियाज़ में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। दस डबल क्रोसिया यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं और मैजिक रिंग का जो ऊन है धागा वो आहिस्ता से खींचनी है तो देखिएगा ये जो होल है ये बंद हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरह से आहिस्ता खींचनी होती है और देखिए बिल्कुल बंद हो चुके हैं। और अब मुझे स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पर इसे जोड़ देनी है। अब गाइज मुझे लेनी है 3 चेन और सेम चेन के अंदर से मुझे डबल क्रोशिया बनानी है तो हो गए 2 डबल क्रोशिया और हर एक चेन के अंदर से मुझे 2 बार करके डबल क्रोशिया बनाकर इस रो को कंप्लीट करनी है। और ये रो भी कंप्लीट हो चुके हैं तो 3 नंबर का जो चेन है उसमें उसके साथ मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी। और फ्रेंड्स फिर से मुझे 3 चेन लेनी है और इस बार हर एक चेन के अंदर से मुझे 1 बार करके डबल क्रोशिया बनानी है और इस तरह से मैं 2 लाइन कंप्लीट करनी है मुझे। ये गाइज पहला रो कंप्लीट हो चुके हैं। अब फिर से उसी तरह से पहले 3 चेन बनानी है उसके बाद हर एक चेन के अंदर से 1 बार करके डबल क्रोशिया बनाकर ये रो कंप्लीट हो चुके हैं बिल्कुल। और अब मैं यहाँ पर चेन को मैं लॉक करके कट कर दूँगी। गाइज देखिए एक कैप 4 रो बनकर कंप्लीट हुए हैं इस तरह से। और अब मैं ले रही हूँ वाइट कलर का ऊन और यहाँ किसी भी चेन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाऊँगी, हर एक चेन के अंदर से मुझे 1 बार करके हाफ डबल क्रोशिया बनानी है और इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी। गाइज ये रो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ लॉक करते हुए मैं यहाँ पर कट कर दूँगी और फिर उनको सिक्योर करनी है बढ़िया से गांठ लगाते हुए। देखिए फ्रेंड्स ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब जो यहाँ पर जो सेकेंड रो का जो चेन है उसके अंदर से मैं वाइट कलर के ऊन से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। हर एक चेन के अंदर से मैं 1 बार करके सिंगल क्रोशिया बनानी है। और फ्रेंड्स देखिए इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत खूबसूरत कैप बनकर तैयार होते हैं और कान्हा जी को जब पहनाएंगे तो बढ़िया से बिल्कुल
सर तो ढकते ही हैं, कान भी बहुत बढ़िया से ढक जाते हैं, कहीं से भी ठंडा नहीं लगने का चांस रहता है। तो आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक कैप ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। देखिए अब ये भी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं और अब मैं कट करके गांठ लगा दूंगी। और अब देखिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं कैप, बहुत ही प्यारे से कैप दिख रहे हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय फ्रेंड्स।